आज इस लेक्चर में हम कॉटेज चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ कॉटेज चीज़। जो कॉटेज चीज़ होता है वो सॉफ्ट अनराइपन्ड चीज़ होता है जो कि स्किम मिल्क से बनता है। इसका एसिड माइल्डली एसिड फ्लेवर होता है एंड इसमें स्मॉल पार्टिकल्स या फिर फ्लैक्स है जो कर्ड के वो प्रेजेंट होते हैं। उनमें मीठी कंसिस्टेंसी होती है जो कि रेनेड कर्ड से बनती है। क्रीम्ड कॉटेज चीज़ में क्रीम मिक्स होती है, ठीक है। सो इट दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट कंटेन नॉट लेस देन 4% फैट। तो जो क्रीम्ड कॉटेज चीज़ होता है उसमें क्रीम को मिक्स किया जाता है क्योंकि उसका जो फैट परसेंटेज है 4% से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए बोथ वेराइटीज़ आर यूजली सॉल्टेड। जो क्रीम्ड कॉटेज चीज़ है एंड कॉटेज चीज़, दोनों वेराइटीज़ को सॉल्टेड किया जाता है। टाइप्स ऑफ कर्ड, दीज आर एसिड कर्ड और रेनेड कर्ड यहाँ पे यूज़ की जाती है। जो एसिड कर्ड होती है वो मिल्क होता है जो कि कोगुलेटेड होता है लैक्टिक एसिड से बाय द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन ऑफ लैक्टिक स्टार्टर। तो हम मिल्क में लैक्टिक स्टार्टर यूज़ करके मिल्क को कोगुलेट करवाते हैं बाय लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो सेकेंड कर्ड होती है रेनेड कर्ड, ये वो मिल्क होता है जिसको कोगुलेट करवाया जाता है रेनेड के एक्शन के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। तो उससे क्या होता है कि लैक्टिक का स्टार्टर के द्वारा ये डेवलप होता है। द करैक्टर ऑफ कॉटेज चीज़ रिजल्टिंग फ्रॉम दीज टू टाइप ऑफ कर्ड। तो जो कॉटेज चीज़ प्रिपेयर होगा अगर हम एसिड कर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ है जो उसमें स्मॉल पार्टिकल ग्रेन्स होंगे, एक्सट्रीमली उसका एसिड फ्लेवर होगा, यील्ड उसकी कम आएगी। अगर हम रेनेड कर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लार्ज पार्टिकल्स फ्लैक्स होंगे, माइल्डली एसिड फ्लेवर होगा एंड हाई यील्ड आएगी, मीठी बॉडी होगी। तो जो रेनेड कर्ड है वो बनता है या तो शॉर्ट सेटिंग या फिर लॉन्ग सेटिंग मेथड के द्वारा, ठीक है। तो पार्टिकुलर्स बताए गए हैं रेनेड कर्ड की फॉर्मेशन के, जो पार्टिकुलर्स होते हैं जैसे कि सेटिंग टेम्परेचर कितना होगा। शॉर्ट सेटिंग के लिए 28 से 32 डिग्री सेल्सियस, लॉन्ग सेटिंग के लिए 22 डिग्री सेल्सियस। सेटिंग का टाइम कितना होता है, शॉर्ट सेटिंग के लिए 4 to 6 आवर्स, लॉन्ग सेटिंग के लिए 15 to 16 आवर्स, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ स्टार्टर हम ऐड करते हैं मिल्क में, 4 से 5% शॉर्ट सेटिंग में एंड 0.3 से 1% लॉन्ग सेटिंग में हम ऐड करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कॉटेज चीज़ को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहले हम इसकी फ्लो डायग्राम को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इसके हर एक जो पॉइंट है, स्टेप है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्टली मिल्क को रिसीव किया जाता है, जो स्किम मिल्क है उसको रिसीव किया जाता है, उसमें कैल्शियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद हम उसमें स्टार्टर कल्चर ऐड करते हैं एंड रेनेट ऐड करते हैं, फिर सेटिंग करवाई जाती है, ठीक है। जो टाइम एंड टेम्परेचर हमने नोट किया अभी, शॉर्ट सेटिंग या फिर लॉन्ग सेटिंग। उसके बाद कटिंग की जाती है कर्ड की, फिर उसके बाद कुक किया जाता है। कर्ड की क्यूब में से वे है जो निकलनी स्टार्ट हो जाती है, उस वे को ड्रेन किया जाता है। फिर वे को ड्रेन करने के बाद कर्ड को वॉश करके सॉल्टिंग की जाती है एंड क्रीमिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। तो फर्स्टली रिसीविंग स्किम मिल्क। तो जो स्किम मिल्क होता है वो फ्रेश होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, उसमें फैट कंटेंट कम होना चाहिए, बैक्टीरियल काउंट भी उसमें कम होना चाहिए, क्लीन फ्लेवर होना चाहिए उसका, ठीक है। उसको पैश्चराइज्ड किया गया हो, रिसीव करने के बाद पैश्चराइज्ड किया गया हो इमिडिएटली आफ्टर सेपरेशन, ठीक है, बाय द होल्डर मेथड। तो उसके बाद हम मिल्क को रिसीव करने के बाद उसको पैश्चराइज करते हैं। पैश्चराइजेशन के बाद कैल्शियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है। जो कैल्शियम क्लोराइड है स्किम मिल्क में वो 1 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर 100 लीटर्स ऑफ मिल्क में ऐड किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है कैल्शियम आयन की वो कम हो जाती है पैश्चराइजेशन के दौरान ओरिजिनल लेवल से, ठीक है। तो उसको ही डिज़ायर्ड कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन तक लेके जाने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं।
इट इज़ एडेड आफ्टर द पेस्चराइज्ड मिल्क हैव बीन कूल्ड टू द सेटिंग टेम्परेचर। उसके बाद स्टार्टर को ऐड किया जाता है, जो हाई क्वालिटी का लैक्टिक स्टार्टर होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है स्किम मिल्क को ऐड करके, ठीक है, थॉरोली मिक्स करके प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद स्टार्टर को ऐड किया जाता है, देन रेनेट को ऐड किया जाता है। रेनेट है जो वो 2 से 2.5 ml हम पर 1000 लीटर ऑफ मिल्क में डालते हैं, ठीक है। ऐड करने से पहले रेनेट को पहले डाइल्यूट किया जाता है 40 टाइम इट्स वॉल्यूम ऑफ पोर्टेबल वाटर फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उसके बाद हम ऐड कर देते हैं। तो अगर चीज़ कलर अगर आपको ऐड करना है तो जो डिज़ायर लेवल होता है चीज़ कलर ऐड करने का वो 2 से 4 ml होता है 1000 लीटर ऑफ मिल्क में बिफोर एडिंग रेनेट, ठीक है। तो अब हमने रेनेट ऐड कर दिया, उसके बाद सेटिंग। तो जो टेम्परेचर होता है एंड टाइम होता है सेटिंग का वो ऑलरेडी हमने उस चार्ट में पढ़ लिया था, ठीक है। तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। सेटिंग करने के बाद कटिंग होती है। तो जो मोस्ट डिज़ायरेबल एसिडिटी होती है वे की कटिंग के दौरान वो अप्रॉक्सीमेटली 0.5% होनी चाहिए। जो वे है वो इंटीरियर ऑफ द कर्ड पे फॉर्म होनी चाहिए एंड वो क्लियर होनी चाहिए एंड किसी भी कर्ड पार्टिकल से वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। जो मेथड है कटिंग का एंड साइज़ है कर्ड क्यूब्स का वो सेम होता है जैसे कि छदार चीज़ का होता है, ठीक है। तो उसके बाद कुकिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद कुकिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद कॉन्टीन्यूसली हम एक आवर के लिए या फिर 2 hours के लिए 46 degrees Celsius टेम्परेचर पे कुकिंग करते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक वे रिमूव होनी बंद ना हो जाए, ठीक है। वे रिमूव होती रहेगी तब तक हम कुकिंग करते रहेंगे। तो जो टेम्परेचर होता है इसको पहले तो हम इंक्रीज कर देते हैं, बाद में फाइनल टेम्परेचर है जो वो हम डिक्रीज कर देते हैं। तो स्टिरिंग ड्यूरिंग कुकिंग इज कैप्ट एट द मिनिमम एंड वेरी जेंटली डन इन अ अर्ली स्टेजेस। तो उसके बाद कुकिंग करने के बाद वे की ड्रेनेज की जाती है। जब वे को रिमूव कर दिया जाता है तो जो कर्ड क्यूब्स हैं वो सॉफ्ट सेंटर नहीं रहती हैं, तो वो हैंडफुल उनको हम उठा के स्क्वीज कर देते हैं जेंटली, तो स्लाइटली वो इलास्टिसिटी होती हैं। जो वे होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है कर्ड से 2 hours आफ्टर कटिंग। बाय द टाइम ऑफ द साइज ऑफ द कर्ड क्यूब इज अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम, द वे इज ड्रेन्ड इन द सेम वे एज इन अ छदार चीज, ठीक है। तो वे की ड्रेनेज करने के बाद वॉशिंग एंड ड्रेनिंग होती है। जो कर्ड है उसको वॉश किया जाता है वे जब रिमूव कर देते हैं उसके बाद। तो ये जो ट्रीटमेंट है इसकी वजह से कर्ड फर्मर हो जाती है एंड टच करते हैं जब हम कर्ड को तब भी हमें हार्ड फील होती है, ठीक है। इट ऑल्सो रिमूव एसिड वे। इसके कारण क्या होता है, एसिड वे भी रिमूव हो जाती है जो कि डिज़ायर्ड माइल्डनेस फ्लेवर हमें प्रोड्यूस करती है कर्ड क्यूब्स में। तो जो वॉश वाटर हम यूज़ करते हैं वो एटलीस्ट 2 treatments के लिए करते हैं। फर्स्टली जो टेम्परेचर होता है वाटर का वो 21 degrees Celsius होता है, इससे कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो जो जितनी आपके पास कर्ड क्यूब्स होंगे उसका 2x volume है जो आपको वाटर लेना है। आफ्टर सोकिंग द क्यूब्स फॉर 15 minutes द वॉश वाटर इज रिमूव्ड एंड द सेकेंड लॉट ऑफ वॉश वाटर इज 16 degrees Celsius और बिलो सेम क्वान्टिटी एज अबव जितना हमने वॉल्यूम लिया था वाटर का। आफ्टर इट हैज़ बीन वॉश्ड द कर्ड इज ड्रेन्ड। ड्रेनिंग शुड बी थ्रू थोरो। इट इज़ बेस्ट डन बाय प्लेसिंग द कर्ड क्यूब्स इन अ ड्रेनेज रैक विद परफोरेशन एट द बॉटम। तो वे को ड्रेन करने के लिए हम ड्रेनेज रैक में डाल देंगे जो कर्ड क्यूब्स होंगे सारा मिक्सचर होगा। तो उसको उसके नीचे क्या होता है परफोरेशन होता है ड्रेनेज रैक के नीचे, तो वहाँ से जो कर्ड है जो वे है वो रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट इज अ सॉल्टिंग। ये जो सॉल्टिंग है वो हम करते हैं फ्री मॉइस्चर करने के लिए। ड्रेन्ड हो चुकी हैं जो कर्ड उनको फ्री मॉइस्चर करने के लिए। दिस इज़ डन व्हेन फ्री मॉइस्चर हैज़ बीन ड्रेन्ड फ्रॉम द कर्ड। जब फ्री मॉइस्चर कर्ड में से ड्रेन हो जाता है तब हम सॉल्टिंग करते हैं।
तो सॉल्ट को ऐड किया जाता है कर्ड कर्ड में, वॉट में, या फिर ये डिज़ोल्व कर देते हैं हम क्रीम में, जो कि कॉटेज चीज़ बनाने के लिए यूज़ की जाती है। कोर्स सॉल्ट प्रेफर करते हैं, सॉल्ट को 1% ऑफ कर्ड में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ क्रीमिंग। तो क्रीमिंग इमिडिएटली ड्रेनेज के बाद क्रीमिंग स्टेप को परफॉर्म किया जाता है। ये पैकेजिंग, इफ़ द प्रोडक्ट इज़ नॉट पैकेज्ड एट वंस, अगर प्रोडक्ट एक बार में पैकेज नहीं हो रहा है तब हम क्रीमिंग करते हैं, होल्ड करके रखते हैं पहले तो हम क्रीम कर्ड को ओवरनाइट कोल्ड रूम टेम्परेचर पे, तो उसके बाद उसको क्रीम किया जाता है। तो जब कर्ड क्यूब्स क्रीम हो जाती हैं तो वो फर्म हो जाती हैं जब क्रीमिंग होती है। तो जो अमाउंट है 20% ऑफ क्रीम रिक्वायर होती है, 4% फैट इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ होमोजेनाइज्ड बिफोर मिक्सिंग सो एज टू फॉर्म थिक ग्लॉसी कोट्स ओवर द क्यूब कर्ड पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज़ द पैकेजिंग एंड स्टोरेज। तो क्रीमिंग होने के बाद पैकेजिंग एंड स्टोरेज की जाती है। तो जो पैकेजिंग है कॉटेज चीज़ की, उसको हम वैक्स्ड पॉलीथीन कोटेड पेपर्स या फिर कप्स या फिर जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनमें पैक करते हैं एंड स्टोर करके रखते हैं 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो जो ईल्ड है कॉटेज चीज़ की बिफोर क्रीमिंग, वो डिपेंड करती है कि कंपोजिशन कैसी थी मिल्क की जो हमने यूज़ किया, एंड मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कौन कौन से लॉसेस हो गए, एंड मॉइस्चर कंटेंट क्या था चीज़ का जब हमने क्रीमिंग की, ठीक है, सॉल्टिंग की। एंड अनक्रीम्ड जो कॉटेज चीज़ है वो 15% ऑफ द मिल्क हमने ऐड करना है देन द क्रीम्ड कॉटेज चीज़। कीपिंग क्वालिटी है जो कॉटेज चीज़ की वो अनक्रीम्ड या फिर क्रीम्ड हो तो उसे हम 5 से 10 डिग्री सेल्सियस पे शॉर्ट इवन अंडर रेफ्रिजरेटर स्टोरेज पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अनक्रीम्ड कॉटेज चीज़ है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है 90 डेज के लिए बाय फ्रीजिंग और ब्राइन स्टोरेज। तो इस लेक्चर में हमने स्टडी किया कॉटेज चीज़ के बारे में डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।